जाहिर से बात है कि बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं ये उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, नहीं तो कोई वजह नहीं है पोस्टपोन करने की। इलेक्शन कमीशन का ये पहली बार नहीं है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कर रहे हैं, जितनी साजिश करें वो करें। मैंने पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन से गुजारिश की थी पार्टी के तरफ से कि ये इलेक्शन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। जाहिर से बात है कि बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं ये उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, नहीं तो कोई वजह नहीं है पोस्टपोन करने की। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी कहा था कि मुगल रोड सिर्फ एक रास्ता नहीं है, वहां पर पहुंचने का और भी तरीके हैं। हमारे उम्मीदवार मियां अल्ताफ साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब, वो अभी रजौरी में हैं। कल यहां से जम्मू गए थे, आज रजौरी में हैं। उनका 4 दिन का प्रोग्राम था, वो कैंपेन कर लेते, अब पोस्टपोनमेंट की वजह से उनको रुकना पड़ रहा है। इलेक्शन कमीशन का ये पहली बार नहीं है कि वो बीजेपी की मदद कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कर दें, जितनी साजिश करें वो करें। बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो इस इलेक्शन में शिकस्त का सामना करेंगे।